नमस्कार, आप देख रहे हैं जीवन 24। मैं हूं आपके साथ प्रियांशी। हरियाणा से एक शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आई है। गौरतलब है कि हरियाणा के पलवल से एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने हर किसी को झकझोर कर रख दिया है। यहां रक्षक ही बन गया भक्षक। एक महिला जो अपने पति के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने आई थी, उसे थानेदार ने दरिंदों को सौंप दिया जो उसका सामूहिक दुष्कर्म कर एक से दूसरे को सौंपते रहे। यही नहीं, थानेदार की मौजूदगी में ही महिला को 1,00,000 रुपए में बेच दिया गया। आइए जानते हैं क्या है पूरा माजरा। दरअसल पलवल के हसनपुर थाना क्षेत्र में पति के खिलाफ शिकायत देने आई विवाहिता को थानेदार ने अपने साथियों के हवाले कर दिया। इसके बाद विवाहिता को बंधक बनाकर सामूहिक दुष्कर्म किया गया और 1,00,000 में उसे बेच दिया गया। बता दें, पीड़िता ने यह भी आरोप लगाया है कि आरोपित से थानेदार ने कार्यवाही न करने के बदले 1,00,000 रुपए भी लिए। थानेदार ने उसे जबरन बल्ली नामक व्यक्ति के साथ भेज दिया। बल्ली उसे खेत में बने एक कोठरे में लेके गया, जहां पहले से निरंजन व भीम नामक व्यक्ति बैठे हुए मिले। तीनों ने उसे जान से मारने की धमकी देकर सामूहिक दुष्कर्म किया और उसके अश्लील वीडियो बनाकर फोटो भी खींच लिए, जिसके बाद तीनों ने षड्यंत्र के तहत उसे विजेंद्र नामक व्यक्ति को बेच दिया। महिला थाना पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर थानेदार व एक महिला सहित 7 के खिलाफ विभिन्न धाराओं में केस दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है, जिसके बाद थानेदार शिवचरण की मौजूदगी में उससे जबरन खाली कागजों पर हस्ताक्षर और अंगूठा लगवाया गया। सवाल ये उठता है कि आखिरकार महिलाओं पर होने वाले ये दुराचार अत्याचार कब खत्म होंगे। महिलाओं को लेकर दुनिया भर के संगठन, कानून, न जाने कितनी नारेबाजियां, बड़बोलापन देखने को मिलता है। गौरतलब है कि 21वीं सदी में हम पहुंच तो गए हैं, दुनिया भर की विकास की बातें करते हैं, देश विदेश में अपना झंडा गाड़ रहे हैं, लेकिन क्या हमारी महिलाएं सुरक्षित हैं? कौन देगा इसका जवाब? अभी के लिए बस इतना ही। ऐसी तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जीवन 24। ये है जेनेसिस मीडिया नेटवर्क और आप देख रहे हैं जीवन 24 न्यूज़।